तो गाइस चेंसो मैन के एपिसोड 3 में हमने देखा था माकिमा डेंजी और पावर को बहुत डांट लगाती है क्योंकि उन दोनों ने रूल्स तोड़कर एक कुकुम्बर डेविल को मार दिया था जबकि उसके पास एक सिविलियन डेविल हंटर मौजूद था। पर माकिमा को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ पावर ने मारा है और पावर भी झूठ बोलकर डेंजी को फंसा देती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती लेकिन इसके लिए मुझे डेंजी ने बोला था। और इसके बाद डेंजी पावर से बहस करने लगता है। थोड़े टाइम के बाद डेंजी और पावर एक शॉप में रहकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पावर बताती है, मेरे पास एक बिल्ली मियो ही थी, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद पावर डेंजी को ऑफर देती है, अगर तुम मेरी बिल्ली को उस डेविल से बचा लोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें अपने थ्रिट्स छूने दे सकती हूँ। पावर की बात सुनकर डेंजी हाँ कर देता है। पावर डेंजी को लेकर एक सुनसान घर के पास जाती है और कहती है, उसे तुम्हें ही मारना होगा, मैं उसके ज्यादा नजदीक बिल्कुल भी नहीं जा सकती वरना मेरी बिल्ली को खतरा होगा। उसके बाद पावर डेंजी के साथ चलने लगती है। कुछ देर बाद रुककर पावर डेंजी को धोखे से मार देती है और बेहोश कर उस घर के अंदर लेकर चली जाती है जहाँ बैड डेविल होता है। बैड डेविल डेंजी को उठाकर उसका खून टेस्ट करता है जो कि उसे बहुत कड़वा लगता है। तभी बैड डेविल गुस्से से डेंजी को फेंक देता है और कहता है, मैं इस शहर के सारे बच्चों को खा जाऊंगा और मीठे के लिए मुझे एक प्रेग्नेंट वुमेन चाहिए। तभी पावर बैड डेविल से कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया, मेरी बिल्ली को वापस कर दो। तभी बैड डेविल पावर को भी खा जाता है। मैंने तुम्हें इंसान लाने को कहा था लड़की और तुमने मुझे एक डेविल ला कर दिया। पावर को खा जाने के बाद बैड डेविल वहां से उड़ जाता है और डेंजी भी उस बैड डेविल के साथ पीछे चला जाता है। डेंजी उस बैड डेविल को जोर से मारकर जमीन में गिरा देता है और उसके बाद दोनों में बहुत घमासान लड़ाई हो जाती है। डेंजी बैड डेविल के सारे हमलों से बच जाता है और उसके बाद अपने चेनसो से उस बैड डेविल के हाथ में घुसाकर उछलकर उस बैड डेविल को बीच से काट देता है। अब आगे बैड डेविल के मर जाने के बाद पावर जिंदा रहती है और वो सोचने लगती है, मैं जब जंगलों में रहती थी तब मुझे उन जानवरों से कोई भी लगाव नहीं था। उसके बाद मेरे लाइफ में एक बिल्ली आई, मैंने सोचा मैं उसे खिला पिला कर मोटा ताजा करूं और उसके बाद मैं उसका खून पी जाऊंगी, लेकिन अचानक मुझे उससे लगाव हो गया। उसके बाद किसी दिन कोई बैड डेविल आकर उसे किडनैप कर लेता है और मुझसे कहता है, तुम मुझे इंसान लाकर दो लड़की वरना मैं इस बिल्ली को मार दूंगा। और मैं उस बिल्ली को बचाने के लिए पूरे शहर में भागती रही बस सिर्फ एक बिल्ली के लिए और उसका खून पीने के लिए या शायद उसे बचाने के लिए। मुझे खून बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे सुकून देता है, वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है और मैं ये सब इस बिल्ली के लिए कर रही हूँ। तभी अचानक पावर जाग जाती है और वो देखती है वो डेंजी के गोद में होती है। तभी पावर डेंजी से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तभी डेंजी पावर के टिट्स की तरफ इशारा करता है, तुमने बस इस रीजन से मुझे बचाया? कितना बेवकूफों वाला रीजन है ये। तभी पावर कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक्स डेंजी, तुम्हारा सपना पूरा हुआ, तुम मेरे टिट्स को छू सकते हो। यह बात सुनते ही डेंजी पागलों की तरह उछलने लगता है, मैंने कर दिखाया, फाइनली मैं अपना गोल पूरा कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं डेंजी के हाथों पर कोई जोर से हमला करता है और डेंजी का हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। डेंजी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लीच डेविल आ जाती है और कहती है, यहाँ पर मेरे बेटी को किसने मारा? वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तभी डेंजी वहाँ पर आकर कहता है, वो मेरे गोल के बीच में आ रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। तभी लीच डेविल उसे कहती है, तुम दिखने में तो बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहती इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी डेंजी पावर और बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहता है और उन दोनों को, तभी लीच डेविल कहती है, इन दोनों को मरना होगा। तभी डेंजी कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और डेंजी अपने छाती में लगे चेन को खींचता है लेकिन तभी डेंजी देखता है वो पूरी तरीके से चेनसो में नहीं बदल पाता क्योंकि उसकी बॉडी में उतनी इनफ ब्लड नहीं होती। इसके बावजूद भी डेंजी दौड़कर लीच डेविल की तरफ बढ़ता है लेकिन लीच डेविल उसे अपने हाथों से पकड़कर उसे बिल्डिंग की तरफ दूर फेंक देती है। डेंजी किसी तरह संभल कर खड़ा हो जाता है। लीच डेविल डेंजी की तरफ लगातार अपने हाथों से हमला करती रहती है। डेंजी भागते हुए लीच डेविल के हाथों से बचता रहता है। तभी डेंजी के सामने अचानक बिल्डिंग गिर जाती है और डेंजी के सामने धुआं धुआं हो जाता है। तभी लीच डेविल अपने हाथों से डेंजी की तरफ हमला करती है जिसे डेंजी ब्लॉक कर लेता है। डेंजी और लीच डेविल की फाइट को देखते हुए पावर सोचती है, इसके पास उतनी ताकत है नहीं फिर भी ये उससे लड़ रहा है एक फालतू से गोल के लिए। तभी अचानक डेंजी लीच डेविल की तरफ दौड़ते हुए एक जोर का जंप लगाकर लीच डेविल के मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है जिसके कारण डेंजी हवा में रहता है। तभी लीच डेविल एक जोर का पंच डेंजी को जड़ देती है जिसके कारण डेंजी दूर जाकर गिरता है। तभी लीच डेविल डेंजी से कहती है, तुमने बेटी को कैसे मारा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुमने उसे मार दिया। हम दोनों का बहुत प्यारा सा सपना था कि इस पूरे संसार से सारे इंसानों को खत्म कर दिया जाए, फिर मैं और वो और सारे डेविल ही इस दुनिया में रहते। तुम क्यूट से लड़के ने मेरा सारा सपना तोड़ दिया। तभी डेंजी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों का सपना कितना वाहियात है, किसी को अपनी फैमिली के लिए बदला लेना है और किसी को अपने फैमिली को बचाना है, कोई
अपनी बिल्ली के लिए मरा जा रहा है। कितने बेवकूफ हो तुम लोग, और तुम लोग मेरे सपने को बेकार और वाहियात कह रहे हो। मेरा सपना बस स्टेटस को छूना है। इस सपने को तुम वाहियात कैसे कह सकती हो, तुम लोगों की खैर नहीं। तभी डेंजी गुस्से से लीज डेविल को चिल्लाते हुए कहता है, आओ हम दोनों मिलकर एक ड्रीम बैटल करते हैं, जो जीता उसका सपना सबसे ज्यादा अच्छा था। तभी लीज डेविल कहती है, ठीक है चलो। तभी डेंजी पागलों की तरह लीज डेविल की तरफ बढ़ता है और उसकी बॉडी पर दौड़ने लगता है और अपना चेन्सो खींचकर लीज डेविल के गर्दन पर एक कट मार देता है और फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी लीज डेविल अपने हाथों से लगातार डेंजी को 3-4 घूंसे जड़ देती है। तभी डेंजी नीचे गिरने वाला होता है, पर डेंजी किसी तरह संभल कर दोबारा पागलों की तरह खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे सपने को बेकार और वाहियात कैसे कहा। अपनी बात बोलने के बाद डेंजी तेजी से दौड़ते हुए लीज डेविल की तरफ बढ़ता है और बैट डेविल के कटे पार्ट से लीज डेविल के पैरों को बांध देता है और दौड़कर जंप लगाकर लीज डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। डेंजी जैसे ही लीज डेविल पर हमला करने जाता है, तभी लीज डेविल अपने जीप से डेंजी के पेट में छेद कर देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से आकी आ जाता है और वो फॉक्स डेविल को बुला लेता है। वो फॉक्स डेविल लीज डेविल को एक बार में बाइट करके उसकी गर्दन को काट देती है और लीज डेविल वहीं मर जाती है। तभी फॉक्स डेविल आकी से पूछता है, क्या मैं इसके सिर को निकल सकती हूँ। तभी आकी कहता है, ठीक है तुम निकल सकती हो। हम देखते हैं वहाँ पर आकी के साथ उसकी पूरी टीम होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं डेंजी हॉस्पिटल में होता है, जिसके सामने आकी बैठा हुआ रहता है। डेंजी को होश में आ जाने के बाद आकी डेंजी से कहता है, तुम बहुत लकी हो, मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया था और मैंने तुम्हारी बॉडी से उसे रीअटैच कर दिया है। जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल एक डेविल के जैसे हो। तभी डेंजी आकी से पूछता है, वो फॉक्स डेविल कहाँ से आया था, उसे किसने बुलाया। तभी आकी कहता है, उस फॉक्स डेविल को मैंने बुलाया था तुम्हें बचाने के लिए। जिस तरीके से तुम्हारे डेविल ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने भी एक फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। तुम जब अपने डेविल का यूज करते हो तो तुम्हारा ब्लड लॉस होता है। इसी तरीके से मैंने भी उस डेविल को बुलाने के लिए मुझे अपने बॉडी का एक पार्ट का स्किन देना पड़ा। तभी आकी कहता है, डेविल्स के लिए ज्यादा सिंपति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डेविल्स और फिंड्स की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे सीधा मार देना चाहिए, क्योंकि वो हम ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहते हैं। तभी डेंजी आकी को कहता है, लेकिन पावर एक अच्छी लड़की है। डेंजी की बातें सुनकर आकी कहता है, सिटी के सर्वेलेंस कैमरा में मैंने देख लिया था, तुम और पावर शहर से बाहर चले गए थे। इसके बाद और ज्यादा इंक्वायरी करने के कारण पता चला, पावर शहर से दूर किसी घर में एक बैट डेविल को छुपा कर रखी थी और वो इंसानों को लाकर उसे दिया करती थी। वो तुम्हें मारना चाहती थी, इसलिए वो तुम्हें शहर से दूर उस घर के पास लेकर गई। आकी की बातें सुनकर डेंजी झूठ कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तभी आकी सोचने लगता है कि किस तरह डेंजी को वो लोग थैंक्स कह रहे थे जो लड़ाई के दौरान घायल होने से डेंजी ने उसे बचाया था, जिसमें से एक लड़की कह रही थी, मैं जब ऑफिस के अंदर काम कर रही थी तभी एक बैट डेविल और एक इंसान मेरी बिल्डिंग पर आकर गिरता है। तभी एक चेन्सो वाला आदमी मुझे भाग जाने को कहता है और वो एक आदमी जिसके हाथों में बच्ची थी उसे भी डेंजी ने भाग जाने को कहा था। बस इन सभी में से एक वो इंसान डेंजी को बहुत गालियां दे रहा था, क्योंकि डेंजी ने उसे कार के साथ बैट डेविल की तरफ फेंक दिया था, पर वो हवा में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इस पूरी फाइट के दौरान किसी की भी मौत नहीं होती है। आकी इन सब बातों को सोचकर फिर डेंजी को दोबारा कहता है, ज्यादा सिंपति दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें इस शहर को बचाना है, यहाँ पर डेविल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और यही मेरा सपना है। तभी डेंजी कहता है, मेरे सपने आकी के जितने बिल्कुल भी बड़े नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी अपने सपनों को लेकर उतना ही ज्यादा सीरियस हूँ जितना की आकी है। इसके बाद आकी बाहर चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर हम देखते हैं ह्यूमैनो पावर के साथ बैठी रहती है। तभी पावर आकी से कहती है, तुमने डेंजी की सारी बातें तो सुन ली होगी, मैं कितनी ज्यादा इनोसेंट हूँ, अब मेरी हथकड़ियाँ खोल दो। पावर की बातें सुनकर ह्यूमैनो कहती है, ओह सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हें आजाद कर देगा। तभी आकी कहता है, जितने भी डेविल्स और फिंड हैं, वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस वक्त आजाद कर रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी। और एक बात याद रखना, अगर मुझे किसी डेविल या फिंड को मारने के लिए तुम लोगों की जरूरत पड़ी तो बखूबी मैं तुम लोगों का इस्तेमाल करूंगा। अपनी बात कहने के बाद आकी पावर की हथकड़ियाँ खोल देता है और कहता है, याद रखना मैं तुम लोगों का दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं आकी डेविल्स हेडक्वार्टर पहुँचता है और माकिमा को सारे शहर की रिपोर्ट देता है, जिसमें आकी कहता है, डेंजी और पावर गलती से शहर के बाहर चले गए थे और उन्हें बैट डेविल मिला। उसके बाद डेंजी ने उस बैट डेविल को मार दिया और उसके बाद वहाँ पर लीज डेविल आ गई थी, जिसके साथ डेंजी ने बहुत अच्छे से फाइट की, लेकिन उसे डिवीजन 4 ने खत्म कर दिया। यह बात सुनकर माकिमा आकी से कहती है, लेकिन डेंजी और पावर ने रूल्स तोड़े हैं। माकिमा की यह बात सुनकर आकी कहता है, हम इस गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे फाइट के दौरान शहर में किसी की जान नहीं गई थी, तो डेंजी और पावर को हम इस कारण छोड़ सकते हैं।
और तो और उसने दो डेविल्स को मार भी दिया। आकी की यह बात सुनकर माकिमा आकी से कहती है, ठीक है मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ आकी, डेंजी के साथ रहते रहते तुम भी सॉफ्ट हार्टेड होते जा रहे हो, लगता है ये डेंजी का असर है। माकिमा की बात सुनकर आकी कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ और ना ही मैं बदला हूँ। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है। आकी बहुत मैनर्स वाला इंसान होता है जो सुबह जल्दी उठता है और डेली अपने घर के सारे काम करता है। सारे काम खत्म कर देने के बाद वो हर रोज सुबह अपने आप को अपडेट रखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है। डेंजी भी आकी के साथ रहते रहते पूरा मैनर सीख जाता है और डेंजी भी सुबह जल्दी उठता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं वहाँ पर कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। आकी और डेंजी ये देखकर चौंक जाते हैं, इतने बुरी तरीके से दरवाजे कौन पीट रहा है। तभी दरवाजे का लॉक टूट जाता है और दरवाजे को जोर से खोलकर वहाँ पर पावर आ जाती है और कहती है, आज से मैं भी यहाँ रहूंगी। कुछ समय बाद हम देखते हैं आकी को एक कॉल आता है जिस पर माकिमा बताती है, पावर को मैंने तुम्हारे घर भेजा है, मैं चाहती हूँ डेंजी के साथ साथ तुम भी उसका ध्यान रखो। जिस पर आकी कहता है, आप सभी पागलों को मेरे घर ही क्यों भेज रही हो, मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। जिस पर माकिमा कहती है, मुझे सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा है, समझ गया आकी, इसलिए मैं उसे वहाँ भेज रही हूँ। माकिमा की बातें सुनकर आकी कुछ नहीं कहता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं डेंजी और पावर दोनों खाना खाने के लिए बैठे रहते हैं। हालांकि पावर एक फीड होती है जिसके कारण उसे कोई भी मैनर्स बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे सब्जियाँ देखकर बिल्कुल नफरत हो गई थी। तभी वो खाने की सब्जियों को फेंकने लगती है जिसे डेंजी कैच कर लेता है और आकी और डेंजी दोनों गुस्से से चिल्लाकर पावर को डांटने लगते हैं। जिस पर डेंजी कहता है, तुम्हें खाने को इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए, तुम्हें खाने की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता इसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है। पावर हमेशा से जंगलों में रहती थी जिसके कारण पावर को मैनर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। पावर टॉयलेट भी जाती थी तो उसे फ्लश नहीं करती थी और कई कई दिन तक तो पावर नहाती भी नहीं थी। एक रात हम देखते हैं डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पावर आ जाती है और अपने ब्रेस्ट की तरफ इशारा करते हुए डेंजी से कहती है, तुम हम दोनों के बीच की डील भूल गए क्या, तुम अब अपना गोल पूरा कर सकते हो डेंजी। और अपनी बात कहने के बाद पावर टॉयलेट के अंदर आ जाती है और बैठ जाती है। डेंजी ये सब देखकर नर्वस हो जाता है। तभी पावर कहती है, शुरू में मैं मजाक कर रही थी लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत देखकर मैं मान गई हूँ और तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम उसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रेस कर सकते हो। जिस पर डेंजी पूछता है, वो क्यों। तभी पावर कहती है, पहला मेरी बिल्ली को बचाने के लिए और दूसरा तुमने एक डेविल को भी मारा था और तीसरा मुझे आकी से बचाने के लिए, तो अब देर किस बात की है डेंजी, आओ और अपना गोल पूरा कर लो। डेंजी इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा खुश और नर्वस दोनों हो जाता है। ये तो एक एंजल जैसी है, वाह। हे गाइस, होप सो आपको ये एपिसोड देखकर मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाना और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।